नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, हे भगवान ये कैसा आप सुगुन है। 30 सितंबर की रात्रि 12:30 बजे से, जी हाँ दोस्तों, यह समय से आपके ज़िंदगी में होने वाली है बहुत बड़ी अनोखी घटना। जी हाँ दोस्तों यह घटना आपका सुख चैन सब कुछ छीन लेगा। तो अगले 24 घंटे आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सावधान और सतर्क रहेगा, कहीं आपके साथ कुछ बड़ी अनहोनी ना हो जाए। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में आपको यह बता दें कि आपका भविष्य किस ओर जाने वाला है, आखिर आज के दिन आपको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, साथ ही आज आपको किन चीज़ों से बचना होगा तो किन चीज़ों से आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आज के दिन आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तो आप लोगों को आज के दिन क्या क्या खुशियाँ भी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपका व्यापार नौकरी करियर के बारे में हम आपको संपूर्ण राशिफल 100% सटीक बताएंगे। तो आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अचूक उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को शुक्रवार के दिन कर लेंगे दोस्त, यकीन मानिए आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में सदैव खुशहाली ही बनी रहेगी। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर प्रदान करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जय माता भवानी जरूर लिखें। दोस्तों माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले इस दिन की पंचांग। दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और दोस्तों ज्येष्ठा नमक नक्षत्र का निर्माण होने जा रहा है। और दोस्तों सुबह की बात करें दोस्तों, प्रति योग रात्रि 10:32 के उपरांत आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों राहु काल के समय की बात करें, अर्थात दिन का वैद्य अशुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 10:48 से लेकर दोपहर 12:16 रहेगा। दोस्तों ऐसे अंतरण में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ और मांगलिक कार्य में विघ्न एवं बाधाएं भी पड़ सकती है। और दोस्तों अब जिम समय की बात करें, अर्थात दिन का वैद्य अशुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 7:50 से लेकर सुबह 9:19 रहेगा। दोस्त या समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कभी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों ब्रह्म राशि की बात करें, दोस्तों सुबह 4:45 से लेकर सुबह 5:33 रहेगा। और दोस्तों सूर्य कन्या राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचारित करेगा पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों समस्त ग्रहों के चाल आपके राशिफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, आइए पूरी की पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों ग्रह और नक्षत्रों की चाल से यह जानकारियाँ मिल रही है कि आने वाले अगले 24 घंटे यानी कि 30 सितंबर 2022 का जो दिन रहेगा, आप सभी के लिए कुछ मुश्किल भरी दिन भी रह सकता है तो कुछ आपके लिए खुशखबरी भरी भी रह सकता है। दोस्तों आज के दिन आपके जीवन काल में कुछ अशुभ घटनाएँ भी हो सकती है तो कुछ शुभ घटनाएं भी हो सकती है। दोस्तों यश में आपके जीवन काल में कुछ ऐसे ऐसे अनोखे परिवर्तन भी होने वाले हैं तो कुछ आपके जीवन काल में कुछ ऐसे घटनाएं भी घट सकती हैं जिनसे आपको परेशानी में डाल सकता है। और दोस्तों साथ ही आज आपको कोई भी अप्रत्याशित अनुभव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी और इससे आपके दृष्टिकोण में खास बदलाव भी हो सकता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आप बिल्कुल भी ना घबराएं। लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त भी है और आज सफलता आपके कदम भी चूमेगी। लव लाइफ में समय की कमी आज आपको परेशान कर सकती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। अगर आप अपनी जुबान पर काबू नहीं रखेंगे तो आप आसानी से अपनी प्रतिष्ठित धूमिल कर सकते हैं और छुपे हुए दुश्मन आपके बारे में आज अफवाह फैलाने
जाने के लिए अधीर भी होंगे, तो आप लोगों को आज के दिन बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके दुश्मन आपके बारे में कुछ गलत सलत अफवाहें भी आज उड़ा सकते हैं। और यश में आप यदि नौकरी पैसा है तो पदोन्नति की संभावना भी आज बन रही है, और कार्य क्षेत्र में कुछ निराशा का सामना आपको आज के दिन करना पड़ सकता है। और दोस्तों प्रेम और संबंध राशि फल की दृष्टि में देखिए दोस्तों, यश में उन सभी रिश्तों को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपका विस्तारित परिवार और आपके दोस्त भी शामिल हैं। आपको यह एहसास करने की बहुत ही आवश्यकता है कि ये रिश्ते किसी भी चीज़ से कम महत्वपूर्ण नहीं है, और ये आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं, और आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की आवश्यकता है। और दोस्तों करियर और धनराशि फल की दृष्टि में देखिए दोस्तों, आज का दिन आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तो कुछ सावधानी भरे भी समय है। दोस्तों आज का दिन आपको करियर में कुछ बड़े उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, तो आपको अपने सहकर्मी के साथ आज के दिन सतर्कता भी बरतनी होगी। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल या समय खराब भी हो सकता है, इसलिए बेफालतू के विवाद से आपको आज बचकर ही रहना होगा। और आज के दिन कुछ क्षेत्रों में कुछ अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं, हालांकि धातु या फिर कृषि उत्पादक में निवेश आपके लिए आज फायदेमंद साबित भी हो सकते हैं। और दोस्तों बिजनेस और व्यापार की दृष्टि में देखिए दोस्तों, ग्रह और नक्षत्रों के माध्यम से यह जानकारियां मिल रही कि आज के दिन व्यापार में अच्छी वृद्धि होगी, और सभी की उम्मीदों पर आप खरा उतरने की आपकी विशेषता भी आपको यश देंगी। काम धंधे के समय में ग्रह की चहल पहल की वजह से व्यापार की स्थिति सही रहेगी, और कॉमेस्टिक उत्पादकों से जुड़े व्यापारियों को आज अच्छा कारोबार देखने को मिलेंगे, और ब्यूटी पार्लर आदि के क्षेत्र में ग्रह की चहल पहल बढ़ेगी। और नौकरी पेशा वर्ग के जातकों पर आज ऑफिस में काम का बोझ भी बना रहेगा, जिसकी वजह से अपने कार्यों में पूरे दिन आप व्यस्त भी रहेंगे। और दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि में देखिए दोस्तों, आज अपच व पेट संबंधित विकार हो सकती है, अनियमित खान पान की शैली में आप सुधार रहे हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होंगी। और दोस्तों घर परिवार के माहौल में देखिए दोस्तों, आज पति पत्नी के मध्य संबंधों में अच्छा तालमेल रहेगा, और दोनों एक दूसरे को बेहतर रूप से समझते हुए व्यवहार भी करेंगे, और संतान पक्ष की ओर से आज हर्षदायक समाचार से मनोबल भी बढ़ेगा और बोझ हल्का भी होगा। आज छात्र समय का फायदा लेते समय ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे, और सायंकाल के समय मित्रों के साथ जरूरी बातचीत में आप करेंगे। जी दोस्तों चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों आखिर आने वाले अगले 24 घंटे आने के शुक्रवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग शुक्रवार के दिन का व्रत रख सकते हैं, और साथ ही खीर बनाकर माँ लक्ष्मी का भोग लगाएं, और फिर 6 साल से नीचे की लड़कियों को खीर प्रसाद के रूप में वितरण कर दें। इसके बाद आप उनको फल का भी दान कर सकते हैं, और यह उपाय आप लगातार 21 शुक्रवार तक कर सकते हैं। मान्यता ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी, और आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, और आपके सारे बिगड़े कार्य भी पूर्णतः बन जाएंगे।